आज भी बहुतों को ये लगता है कि शिवलिंग पर पानी और दूध चढ़ाना एक पाखंड है, लेकिन मैं आज आपको धार्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण बताने जा रहा हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ तब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, जिसके बाद उनके गले में जलन होने लगी और इस जलन को मिटाने के लिए उन्होंने दूध पिया और दूध के बाद उन्होंने भांग भी पी। तो इस वजह से हम लोग पानी और दूध चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर। साइंटिफिक रीजन ये है कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है। जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर इस पूरी धरती पर तबाही मचा सकता है, वैसे ही भगवान शिव यानी कि शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड पर तबाही ला सकता है। उनके इसी गुस्से को शांत करने के लिए लोग दूध और पानी चढ़ा देते हैं। और भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उन सभी का आकार शिवलिंग की तरह ही बनाया गया है। तो दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव तो लिखना बनता है।